हाई एवरी वन वेलकम टू इंग्लिश अकेडमी आई एम मित्तुल और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टेलीफोन से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते वक्त हम कौन कौन सी वोकेबलरीरी यूज़ करते हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में शॉपिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वो लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं तो शुरू करते हैं टेलीफोन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानने के लिए पहला वर्ब है स्पीक अप और इसका मतलब होता है टू स्पीक लाउडर यानी कि जोर से बोलना एग्जाम्पल यू नीड टू स्पीक अप एज आई एम अनेबल टू हे यू तुम्हें जोर से बोलना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तो जोर से बोलना यानी कि स्पीक अप गेट थ्रू और इसका मतलब होता है टू कंटैक्ट बाय टेलीफोन टेलीफोन या मोबाइल द्वारा किसी को कॉल करना या किसी को कॉन्टैक्ट करना उसे बोलते हैं गेट थ्रू और इसका एक एग्जाम्पल है वी विल गेट थ्रू बाय वेंसडे हम वेंसडे तक आपको कॉल कर देंगे या मोबाइल के थ्रू कॉल कर देंगे तो टेलीफोन या मोबाइल के थ्रू किसी को कॉन्टैक्ट करना उसको कहते हैं गेट थ्रू नेक्स्ट इज हैंग ऑन या होल्ड ऑन और इसका मतलब होता है टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी कि होल्ड करके रखना या थोड़े समय के लिए इंतजार करना एग्जाम्पल है प्लीज हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड आई शेल कनेक्ट यू टू सेल्स डिपार्टमेंट आप सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए मैं आपको सेल्स डिपार्टमेंट में कनेक्ट कराती हूँ यू नीड टू होल्ड ऑन सिंस मदर इज ऑनर कॉल तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि माता जी दूसरी कॉल पे है तो थोड़े समय के लिए जो वेट करते हैं यानी कि होल्ड करके रखते हैं उसे बोलते हैं हैंंग ऑन या होल्ड ऑन नेक्स्ट इज कॉल बैक और इसका मतलब होता है टू रिटर्न अ फोन कॉल यानी कि किसी ने फोन किया है आप किसी कारणवश उठा नहीं पाए या बिज़ी थे तो उनको जब हम कॉल बैक करते हैं या उनकी फ़ोन कॉल को वापस रिटर्न करते हैं वापस से उनको कॉल करते हैं उसे बोलते हैं कॉल बैक इसका एक एग्जांपल है आई शल कॉल यू बैक इन फिफ्टीन मिनट्स मैं पंद्रह मिनट में तुम्हें दोबारा वापस कॉल करता हूँ तो दोबारा वापस कॉल करना इज़ कॉल बैक नेक्स्ट इज़ ब्रेक अप और इसका मतलब होता है टू बी इन ऑडिबल ओवर द कॉल यानी कि कॉल पे जब आवाज़ नहीं आती किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से ये नेटवर्क ना आने की वजह से तो उसे बोलते हैं ब्रेक अप एग्जाम्पल यस इज ब्रेकिंग अप ड्यू टू नेटवर्क इशू नेटवर्क इशू की वजह से तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है यानी कि आवाज नहीं आ रही तो टेक्निकल इशू की वजह से जब हमें किसी की आवाज सुनाई नहीं देती तो उसे बोलते हैं ब्रेक अप नेक्स्ट इज़ पुट थ्रू और इसका मतलब होता है टू कनेक्ट बाय टेलीफोन विथ समवन एल्स हम जब किसी को किसी से कनेक्ट करवाते हैं टेलीफोन के द्वारा या मोबाइल के द्वारा तो उसे बोलते हैं पुट थ्रू एग्जांपल है लेट मी पुट यू थ्रू आ मैनेजर मैं आपको फ़ोन uh, से या मोबाइल से अपने मैनेजर से कॉन्टैक्ट करवाता हूँ तब जब हम टेलीफोन या मोबाइल से किसी को कनेक्ट करवाते हैं तो उसको बोलते हैं पुट थ्रू नेक्स्ट इज हैंग अप और इसका मतलब होता है टू एंड टेलीफोन कॉल यानी कि कॉल को काटना एग्जाम्पल है ही हंग अप द फोन आफ्टर टेन मिनट्स दस मिनट के बाद उसने कॉल काट दी तो कॉल को जब हम काट देते हैं तो उसे बोलते हैं हैंग अप नेक्स्ट इज कट ऑफ़ और इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन किसी रीजन की वजह से फ़ोन में जब इंटरप्शन आती है या कोई प्रॉब्लम आती है डिफ़िकल्टी आती है तो उसे बोलते हैं कट ऑफ एग्जाम्पल है हिज वॉइस इज़ कटिंग ऑफ ड्यू टू टेक्निकल रीज़न टेक्निकल रीजन की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही यानी कि कट ऑफ हो रही है तो जब टेक्निकल रीज़न से आवाज़ में इंटरप्शन आती है किसी भी तरीके की उसे हम बोलते हैं कट ऑफ नेक्स्ट इज मतलब होता है टू आंसर द फोन। फोन पे हम जब जब फोन उठाते हैं किसी का तो उसे बोलते हैं पिक अप। एग्जाम्पल है केन नीड्स टू पिक अप हिज कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस। कैन को उसके ऑफिस से आई हुई कॉल उठानी चाहिए तो किसी के फोन का जवाब देना इज अप नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं मार्था शुड स्पीक अप गेट थ्रू सो दैट शी शुड बी ऑडिबल मार्था को जोर से बोलना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ आए तो जोर से बोलना यानी कि स्पीक अप तो इट विल बी मार्था शुड स्पीक अप सो दैट शी शुड बी ऑडिबल जर शुड हैं रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू एच आर मैनेजर कल आपको फोन द्वारा कॉन्टैक्ट करेगा इंटरव्यू के रिजल्ट के बारे में तो जब हम फोन से किसी को कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं गेट थ्रू सो इट विल बी दर मैनेजर शुड गेट थ्रू विद रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू शी हंग अप गेट थ्रू द फोन इन हरी उसने फोन जल्दी में काट दिया तो काटने का फोन काटने का जो फ्रेजल वर्ब होता है दैट इज हैंग अप सो इट विल बी शी हंग अप द फोन इन अ हरी आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेट थ्रू कॉल बैक फ्रॉम माई कजिन इन द यू एस मैं अपने कजिन की कॉल का वेट कर रहा हूँ जो यूएस में रहता है ताकि वो मेरे कॉल को रिटर्न कर सके मुझे वापस कॉल कर सके तो वापस कॉल करना इज़ कॉल बैक सो इट विल बी आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल बैक फ्रॉम माय कज़न इन द यूएस सारा नीड्स टू बाय अ न्यू मोबाइल एज हर वॉइस पुट थ्रू ब्रेक्स अप एवरी टाइम सारा को नया मोबाइल खरीदना चाहिए क्योंकि हमेशा उसकी आवाज़ कटती है तो आवाज कटना इज़ ब्रेकअप सो इट विल बी सारा नीड्स टू बाय अ न्यू मोबाइल एज अ वॉइस ब्रेक्स अप एवरी टाइम हे लेट मी पुट थ्रू ब्रेक अप दिस कॉल टू अभय ऐज वेल मैं तुम्हें अभय से भी कनेक्ट कराता हूँ तो जब आप किसी को कनेक्ट कराते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज़ पुट थ्रू सो इट विल भी हे लेट मी पुट थ्रू दिस कॉल टू अभय ऐज वेल आई हेल्ड ऑन कट ऑफ द कॉल फॉर गुड थर्टी मिनट्स मैंने तीस मिनट तक होल्ड करके रखा तो होल्ड करना इज होल्ड ऑन सो इट विल बी आई हेल्ड ऑन द कॉल फॉर गुड थर्टी मिनट्स वी आर एक्सपीरियंसिंग अ बैड वेदर हेयर योर कॉल माइट पिक अप कट ऑफ यहाँ पर बहुत गंदा वेदर है तुम्हारी कॉल कट सकती है तो कॉल कटना किसी बैड वेदर की वजह से या uh, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं कट ऑफ तो इट विल बी वी आर एक्सपीरियंसिंग अ बैड वेदर हेयर योर कॉल माइट कट ऑफ आई एक्सपेक्ट टू पिक अप गेट थ्रू माई कॉल दिस टाइम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार वो मेरा फोन उठा लेगी तो फोन उठाना इज पिक अप टू पिक अप माई कॉल दिस टाइम kindly cut off hold on for a minute let me get back to you on this मिनट uh, के लिए एक मिनट के लिए होल्ड करो मैं तुमको इस बारे में वापस बताता हूँ. तो जब हम होल्ड करके रखते हैं तो दैट इज होल्ड ऑन सो इट विल बी kindly hold on for a minute let me get back to you on this So that was all in this video. For more such interesting updates, hit the bell icon. And if you haven't subscribed to our channel yet, that is English Academy, please do the needful. Thank you so much.